फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत पेपर सेकंड भोजन एवं पोषण, जिसके अंतर्गत कल हमने पढ़ा था भोजन के प्रमुख कार्य कि भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जल का संतुलन कि मानव शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है और उसका संतुलन मानव शरीर में किस प्रकार से किया जा सकता है। जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। मानव शरीर के भाव का, मानव का जो शरीर है उसके भाव का 60% से अधिक भाग जल का है। वायु के बाद जल ही जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। व्यक्ति भोजन के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जल जो है वह अकार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, जिसका रासायनिक जो सूत्र है वह H2O होता है। अब आता है जल का शारीरिक वितरण। शारीरिक भाव का 55-70% जो भाग है वह जल का होता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा व बच्चों में बड़ों की अपेक्षा अधिक जल की आवश्यकता होती है। शिशु का जो शरीर है उसमें 70-75% तक जल होता है शिशु के शरीर में। दुबले पतले व्यक्ति हैं उनमें जल का जो प्रतिशत है मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा कम होता है। शरीर में जो जल है वह सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण अंग है, जिसे अंतःकोशिका जल भी कहते हैं। जिसे अंतःकोशिका जल भी कहा जाता है, जिसमें 55% जल विद्यमान रहता है। बाह्य कोशिका जल, रक्तवाहिनियां, लसिकाएं, ऊतक जल एवं शरीर के विभिन्न पाचन स्त्राव व हार्मोन के रूप में रहता है। जल जो है तीन उपखंडों में विभाजित है, यानी अंतःकोशिका तरल, जिसमें अंतःकोशिका जो तरल पदार्थ है उसमें कम से कम 55% तक जल विद्यमान रहता है, और अंतरस्थलीय जो तरल पदार्थ है उनमें 15% तक जल विद्यमान रहता है, और रक्त में केवल 15% तक जल विद्यमान रहता है। अब आता है मानव शरीर में जल प्राप्त करने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, पेयजल के रूप में और भोजन के रूप में व्यक्ति जल को ग्रहण करता है। थोड़ी मात्रा में लगभग 800 ml के समथिंग चयापचय के परिणाम स्वरूप ऊतकों में भी निर्मित होता है। अब आता है हमारे शरीर में जल के क्या कार्य हो सकते हैं। जैसे जल अनेक जैव रासायनिक तरल जैसे रक्त, लसिका, मस्तिष्क मेरु तरल का अनिवार्य घटक है। जल शारीरिक जो तापमान है तापमान के नियमन में भी सहायक होता है। जल शरीर के अंदर पोषणों के परिवर्तन में भी सहायता करता है। यह शरीर के जो ऊतक हैं उनके निर्माण में उनकी मरम्मत भी करता है। जल अनेक शारीरिक क्रियाओं में भी प्रयुक्त होता है, जैसे पाचन, अवशोषण, शरीर के अवशेषों को निकालने में। इसके अतिरिक्त नहाने, कपड़े धोने और इसके अनेक कार्यों को करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। अब आते हैं जल के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। जैसे शारीरिक निर्माण में जल का महत्व। जल शरीर की सभी कोशिकाओं का संरचनात्मक घटक है। जो सभी कोशिकाओं उनका एक संरचनात्मक घटक है जल। यह कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम तक जल का अवशोषण कर 4 ग्राम जल को बांध के रखता है और 1 ग्राम वसा में उसमें 0.2% तक जल को बांध के रखता है। यानी 1 ग्राम प्रोटीन के अंतर्गत तो 4 ग्राम जल को
बांधे रखता है और 1 ग्राम वसा के अंतर्गत 0.22 जल को बांधे रखता है। अस्थियों में जल कसकर जमा रहता है या जकड़ा हुआ रहता है, जबकि अधिकतर ऊतकों के अंतःकोशिका एवं बाह्य कोशिका द्रव्य में जल का आदान प्रदान होता है। अब सेकंड आता है इसी में कार्य के रूप में विलायक के रूप में। जल एक महत्वपूर्ण विलायक घोल है। भोजन के पाचन के पश्चात जल में जो पोषक तत्व हैं वह घुलकर रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं, यकृत तक पहुंचता है, जहां इनका उपापचय व संग्रहण होता है। विभिन्न जो शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे उपापचय, शारीरिक टूट फूट है इत्यादि में उत्पन्न अनुपयोगी पदार्थ मूत्र तथा पसीने में घुलकर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और सभी जैव जो उत्प्रेरक तत्व हैं वह रासायनिक प्रक्रिया जल की उपस्थिति में ही संभव होता है। तीसरा है जल के कार्य के अंतर्गत शारीरिक तरलता के माध्यम से शरीर के सभी तरल पदार्थों में जल पाया जा शरीर के जितने भी पदार्थ हैं उनमें तरल पदार्थ पाया जाता है, जैसे रक्त, लसीका, पाचक रस, मूत्र, पसीना आदि। तरल पदार्थों से संबंधित कार्य जैसे पोषक तत्वों व गैसों का सम्मेलन, भोजन का पाचन व अवशोषण, व्यर्थ व अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जल द्वारा ही संभव होता है। अगला आता है कार्य के अंतर्गत शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। कोशिका में रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न ऊष्मा को जल पूरे शरीर में वितरित कर देता है। शारीरिक तापमान में वृद्धि होने पर ऊष्मा को पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी जल के द्वारा ही किया जाता है। अगला आता है स्नेहक के रूप में। शरीर में जल स्नेहक का कार्य करता है। मुंह में जो लार की वजह से भोजन निकलने मुंह में लारा उसकी वजह से ही भोजन निकलने में हमें आसानी होती है। श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान आदि में जल श्लेष्मा में उपस्थित रहता है। जोड़ों के मध्य में जल की उपस्थिति में रगड़ उत्पन्न नहीं होती। यही कारण है कि वृद्धावस्था में जोड़ों में उपस्थित स्नेहक जल की कमी होने से जोड़ों में दर्द होता है। फिर आता है कोमल अंगों की सुरक्षा करना। हमारे शरीर में नाजुक आंतरिक जो कोमल अंग है वह जल जो है उन्हें बाह्य आघातों से बचाता है। आता है कि ये तो थे जल के प्रमुख कार्य। आता है जल का निष्कासन की शरीर से जल का निष्कासन किन किन रूपों में होता है। शरीर में जल का जो निष्कासन है बकरक यानी किडनी तथा त्वचा में पसीने त्वचा के माध्यम से होता है। कुछ मात्रा में जल का निष्कासन जैसे मल है, आंसू है, मूत्र है, लार के द्वारा भी होता है। शरीर में जो निष्कासन विभिन्न प्रकार जैसे गुर्दों से तो मूत्र के रूप में, त्वचा से पसीने के रूप में, बड़ी आंत में मल के रूप में, फेफड़ों में जलवाष्प के रूप में और आँख से आंसू के रूप में और नाक से स्रावण के रूप में एवं धात्री माता है उसके दूध के रूप में जल का निष्कासन हो जाता है। अब होता है जल का संतुलन। मानव शरीर में जल का किस प्रकार से संतुलन आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में शरीर द्वारा ग्रहण किया गया जल पसीने, मूत्र, मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। यदि शरीर के द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा शरीर द्वारा निष्कासित जल के बराबर है, यानी ग्रहण किए गए जल की मात्रा और निष्कासित किए गए जल की मात्रा दोनों बराबर है, जल की मात्रा अधिक है तो यह धनात्मक जल संतुलन कहलाता है। दोनों की मात्रा बराबर होती है यानी ग्रहण किए गए जल की और निष्कासित किए गए जल की मात्रा अगर बराबर है तो उसे हम धनात्मक जल संतुलन कहते हैं। यह स्थिति प्रोटीन की कमी, सोडियम की अधिकता व यकृत संबंधी रोगों में हो जाती है। शरीर द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से कम है, यानी शरीर के द्वारा ग्रहण की गई जल की मात्रा तो अधिक है, की गई मात्रा की निष्कासित मात्रा की मात्रा कम है तो उसे ऋणात्मक जल संतुलन कहते हैं। शरीर के द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा निष्कासित जो जल है उसकी मात्रा से कम रह जाती है तो उसे हम ऋणात्मक संतुलन कहते हैं। यह स्थिति जो है अतिसार, उल्टी, तेज गर्मी तथा जलने की स्थिति में शरीर में बहुत अधिक जल की निष्कासन के कारण होती है। शरीर में पानी का संतुलन निरंतर बना रहता है। पानी का जो संतुलन उसके तात्पर्य के अनुसार
शरीर द्वारा जितना जल ग्रहण शरीर के द्वारा जितना जल ग्रहण किया जाता है उतना ही जल का उत्सर्जन शरीर के द्वारा ही होता है। अर्थात शरीर में ग्रहण की गई जल की मात्रा द्वारा और शरीर द्वारा निष्कासित जल की मात्रा का बराबर होना यह स्थिति आदर्श स्थिति कहलाती है। यानी जितना हम ग्रहण कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में जल का निष्कासन होता ही जल का पूर्ण रूप से आदर्श संतुलन कहलाता है। अब आता है शरीर में जल की कमी के प्रभाव। शरीर में उपस्थित जल की 10% या इससे अधिक मात्रा का निष्कासित हो जाने से निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी शरीर में उपस्थित जो जल है 10% या इससे अधिक मात्रा में निष्कासित हो जाता है तो उस समय हमारे शरीर में निर्जलीकरण यानी पानी की कमी हो जाती है, जिससे आँखें जो है वह अंदर की ओर दसती हुई चली जाती है, जीभ जो है सूख जाती है, त्वचा सूखी व ढीली झुर्रियाँ वाली दिखाई देती है, अत्यधिक प्यास लगने लगती है, वह मूत्र की मात्रा में भी कमी हो जाती है। शिशु में अत्यधिक अतिसार एवं वमन से यानी उल्टियों से शरीर में जल की कमी 20% तक हो जाती है। यानी अत्यधिक अतिसार और उल्टी की मात्रा शरीर से जल उल्टी के द्वारा ही शरीर से जल की कमी 20% उसके अकॉर्डिंग 20% तक कम हो जाती है, जिसमें कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में मूत्र का निष्कासन है, अतिसार हो रहा है और उल्टियाँ भी हो रही है तो उस मात्रा में शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। वयस्कों में जल की कमी अत्यधिक अतिसार उल्टियाँ गर्मियों में अत्यधिक पसीना बहने वह पानी कम पीने की वजह से भी यह कमी हो जाती है। जल की कमी के साथ साथ सोडियम पोटेशियम आदि लवणों की भी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में रोगी को ORS का घोल ओरल डिहाइड्रेशन जल की कमी होने पर ओरल रिहाइड्रेशन का घोल ORS का घोल उन्हें दिया जाना चाहिए, जिससे कम जो पानी की कमी है उसको नियंत्रित किया जा सके। छाछ आदि जो पेय पदार्थ हैं उन्हें भी नियमित रूप से देते रहना चाहिए। शिशु को स्तनपान जो है बार बार कराते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की जो कमी है वह नहीं हो। और अतः जल की दैनिक आवश्यकता कि भोजन की प्रकृति पर जल की मांग निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समिति के अनुसार भोजन के प्रति कैलोरी पर 1 ml जल का सेवन आवश्यक है। भोजन की प्रति जो किलो कैलोरी पर 1 ml जल का सेवन करना चाहिए। 1 ml भोजन के प्रति किलो कैलोरी पर 1 ml जल का सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है उसके शरीर में 2550 किलो कैलोरी की आवश्यकता है तो उसमें उसके शरीर में जल की जो मांग है वह 2550 किलो कैलोरी ही होनी चाहिए। जितनी मांग के अनुसार है उतनी ही उनकी जल की मात्रा हो। एक स्वस्थ जो प्रौढ़ व्यक्ति उसको कम से कम 6 से 8 glass तक जल का सेवन करना चाहिए और गर्मियों में जल का अधिक सेवन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। ये तो जल का संतुलन, जल के शारीरिक वितरण, जैसे जल जो है वह एकावनिक योग है जिसका जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है H2O। ये तो जल के कार्य की, जल का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है और जल का निष्कासन की हमारे शरीर से जल को बाहर यानी ग्रहण की गई जल को किस प्रकार से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, जल का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है, शरीर में जल की कमी के क्या क्या प्रभाव होते हैं और उनकी कमी को दूर करने के लिए हमें ORS का घोल को पीना चाहिए। जैसे ORS की फुल फॉर्म है ऑयल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जैसे नियमित रूप से उन्हें देना चाहिए। फिर दैनिक आवश्यकता, जितनी शरीर मांग की आवश्यकता है उतनी ही हमें जल की आवश्यकता होती है। तो जल संतुलन